दोस्तों हम सभी इंसान प्लेन के अंदर बैठते हैं, कहीं और जाते हैं हमारे सुविधा के हिसाब से, और वहाँ पे जाके हमारा काम निपटाते हैं और वापस हम प्लेन से ही वापस आते हैं। वैसे हम किसी और तरीके से भी वापस आ सकते हैं रिटर्न आने के लिए, अगर हमें जल्दी हो तो हम प्लेन का ही यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों प्लेन को उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो उड़ सके और गति के साथ उड़ सके, उस तरीके से डिज़ाइन भी किया गया है। लेकिन दोस्तों आपने कभी सुना होगा सुपरसोनिक प्लेन और उसी के साथ साथ सुपरसोनिक बूम या सोनिक बूम क्या होता है, इन सभी के बारे में सुना होगा। लेकिन ये दोस्तों सोनिक बूम क्या होता है और किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से बनता है, वही बात इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए, और चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सबका स्वागत करता हूँ टेकिनसोल पे। आज मैं आपसे बात करता हूँ सोनिक बूम के बारे में। अभी होता क्या है दोस्तों, ये प्लेन जो है हमें इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है प्लेन को कि ये उड़ सके और बहुत तेज़ी से उड़ सके। लेकिन दोस्तों जब कोई प्लेन उड़ता है तो वो क्या क्या करता है दोस्तों, साउंड वेव्स और उसी के साथ साथ प्रेशर वेव्स जो है दोस्तों वो जनरेट करता है। लेकिन जब कोई प्लेन साउंड की गति से दोस्तों जब उड़ता है, यानी 750 माइल पर आवर के स्पीड से उड़ता है दोस्तों, तो उस टाइम में साउंड वेव्स बहुत तेज़ी से बनते हैं और उसी के साथ साथ प्रेशर वेव्स जो होते हैं वो भी बहुत तेज़ी से बनते हैं। और प्लेन उड़ने लगा साउंड की गति से, यानी मच 1.0 की स्पीड से उड़ने लगा, तो सोनिक बूम जो है दोस्तों वो बन जाता है। अभी सोनिक बूम जब बन जाता है दोस्तों तो वी शेप का अभी हमें दिखता नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक शेप बनता है वी शेप वाला, जैसे कि दोस्तों स्पीड बोट होती है। अभी स्पीड बोट दोस्तों वी शेप वाली स्पीड बोट ले लो आप, ऐसी इस तरीके की बोले, अभी आप फोटो देख रहे होंगे, तो वो स्पीड बोट जब पानी से निकलती है बाहर तो किस तरीके का शेप वहाँ पे बनाती है, कुछ इसी तरीके का वहाँ पे दोस्तों वेव्स बनता है उस सोनिक प्लेन के साइड में, और उसके बाद में सोनिक बूम पैदा होता है। और वही हम जब ग्राउंड पे रह के सुनते हैं दोस्तों तो हम बोलते हैं कि यार सोनिक बूम वहाँ पे हुआ, बहुत तेज़ आवाज़ यानी कड़कड़ाहट की जैसी आवाज़ हमें सुनाई देती है, और उसके बाद हम वो सोनिक बूम जो है दोस्तों वो क्रिएट हो जाता है और उसके बाद हम कहते हैं ये सोनिक बूम हुआ है। लेकिन दोस्तों फिलहाल अगर सिविल में बात करूँ तो ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जो सोनिक बूम यानी सुपरसोनिक प्लेन अभी है हम यूज़ कर रहे हैं, अभी फ्यूचर में आएगा, लेकिन सिविल में ऐसा कोई भी प्लेन अभी हम यूज़ में नहीं ले रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सोनिक बूम या सुपरसोनिक प्लेन जो होते हैं, सोनिक बूम किस तरीके से बनाते हैं वो आपको समझ में आया होगा। बस जो स्पीड है दोस्तों उस तरीके की स्पीड अगर उन्होंने बना ली तो सोनिक बूम बन जाती है, यानी 750 माइल पर आवर की स्पीड से अगर प्लेन चल रहा है, यानी साउंड की स्पीड से अगर प्लेन चल रहा है तो सोनिक बूम बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो सुझाव तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना है, और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आपका ही चैनल है, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।